नमस्कार किसान भाइयों, सर्दियों के दिन में नींबू को किस तरह पकाया जाए, कौन सी सरल विधि है और क्या लगाया जाए कि नींबू अच्छी तरह पक जाए और बिल्कुल ख़राब ना हो। तो ये देखिए, आप एक बर्तन ले लीजिए, स्टील का कट्टा ले सकते हैं या लोहे का कोई भी कट्टा ले सकते हैं, और चारों तरफ अखबार लगा लीजिए। अखबार लगाने के बाद आपको इसमें करीब 20 किलो नींबू बन जाता है। तो अखबार लगाने के बाद आप करीब इसमें 5 से 6 किलो नींबू नीचे डालें। देखिए इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं डालने, 5 से 6 किलो नींबू डालने, क्योंकि जो हम गैस जो बनती है, इसकी भाप बनती है, गैस बनती है, वो ऊपर की तरफ ज़्यादा आती है। तो ऊपर की तरफ ज़्यादा नींबू होंगे तो सही रहेगा। ये देखिए इस तरीके से आप कागज़ लगा लिया आपने और नींबू को डाल दिया। और ये एथिलीन रिपेलर है, इसका एक पाउच 20 किलो के लिए पर्याप्त रहता है, 20 किलो नींबू के लिए। और आपको इसको करना क्या है कि पानी में भिगो लेना है। इसमें हल्के हल्के बारीक बारीक छेद रहते हैं, ये देखिए, आपको इस तरीके से पानी में इसको भिगो लेना है। हल्की 8-10 सेकंड आप पानी में इसको भिगोए रखें, और थोड़ा हिला करके, मतलब पानी इस पर ज़्यादा ना आए। तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं और थोड़े से अखबार के टुकड़े में भी रख सकते हैं। थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है तो इसलिए एक आध नींबू गल जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम अखबार में इसको लपेट करके रखते हैं। ये देखिए, आपको इसको जैसे हमने 5-6 किलो नींबू नीचे डाल लिए हैं, उसके बाद आपको ये रख लेना है। ये देखिए, इसने रिपनर को आप रख, आप इसको आम मार्केट में, अगर आपकी लोकल मार्केट में मिल जाता है तो आप खरीद लिए, नहीं तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, अमेज़न पर जा कर के आप उसको खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आपको नींबू पूरे डाल देने हैं, ये भर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। और नींबू पूरे भरने के बाद आपको ये जो अखबार है, अखबार से इनको ढक देना है। अखबार से ढकने के बाद आपको करना क्या है कि इतना एयर टाइट करना है कि इसकी एयर बाहर न निकल पाए। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि सर्दियों के दिन में अगर एयर निकल जाएगी, ज़्यादा एयर निकल जाएगी, तो ये पकने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लेगा। गर्मियों में अमूमन आप अगर इसको इस तरीके से लगाते हैं तो 2 दिन लेते हैं पकने में, लेकिन इस वक्त सर्दियों में करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस तरीके से आपको अखबार से लपेट लेना है। अगर हो सके तो आप बाहर से भी अखबार लगा दें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप जूट के बोरे को यानी टाट के बोरे को इस तरीके से आप कर दें कि गर्मी थोड़ी सी बनी रहे। उसके बाद आपको एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सर्दी कम पड़े, और आप इसको अब 2 से 3 दिन बाद इसको आप निकालेंगे। ये देखिए 3 दिन बाद हम इसको निकाल रहे हैं, सुबह 5 बजे तकरीबन हम इसको खोल रहे हैं, क्योंकि हमें सीधे मंडी ले जाना है, मंडी सुबह जल्दी लगती है हमारे यहाँ, तो इसलिए हम सीधे इसको खोल करके मंडी ले जाते हैं। हो सकता है आपके नींबुओं में हल्की सी ऊपर 2-4 नींबू थोड़े हरे से रहें, हल्के फुलके हरे रहें, अगर ज़्यादा हरे रहेंगे तो आप एक दिन और इसको रख दें, कोई नींबू ख़राब नहीं होगा, नींबू ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी। और अगर हल्का फुल्का है हरापन तो आप मंडी में बेच सकते हैं, वो आप देख लें अपने अनुसार है, वो सर्दियों के हिसाब से दिन 3 से 4 भी हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा रिपनर लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जल्दी पकेंगे, नींबू ख़राब ज़्यादा हो जाएगा। तो तरीका यही है, 20 किलो नींबू के लिए एक रिपनर बढ़िया है। तो आप इस तरीके से आप देखिए, ये नींबू हमारा बढ़िया है, चमकदार है, सुबह का वक्त है, लाइट कम है, इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ये सरल विधि है काफ़ी, और अच्छी विधि है, कार्बेट से अच्छा रहता है, और अन्य चीज़ें आती हैं, गैस भी आती है, उससे भी अच्छा रहता है। ये सिंपल है, पानी में भिगोइए और रख दीजिए, 2 या 3 दिन 4 दिन में आपका नींबू पक जाएगा। इन दिनों में, गर्मियों में तो 2 दिन से ज़्यादा लेता ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इन दिनों में टेम्परेचर कम होने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए चमक देखी नींबुओं की। तो किसान भाई, आप इस रिपनर को अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी
सावधानी बरतनी है आपको कि गैस ना निकल पाए तो जल्दी पक जाएंगे, गैस निकलेगी तो थोड़ा टाइम ले जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो किसान भाइयों, इसी के साथ धन्यवाद, और आप भी अपने नींबू पकाइए और कमेंट बताइए कि आपके नींबू में इन दिनों में कितने दिन में नींबू पका।